उत्तर मुंबई के खासदार 10 साल से जो विद्यमान गोपाल सेट्टी जी थे उनका टिकट तो काट दिया। तो या तो गोपाल सेट्टी जी निष्क्रिय थे या तो उनके साथ राजनीति हो गई, और तो कोई कारण मुझे नहीं दिख रहा। पीयूष गोयल जी जनता के बीच के नेता नहीं हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पे वो रहे हैं, जनता की समस्याओं को जानते नहीं। वो थोड़े समय के लिए रेल मंत्री भी थे, कोई बहुत बड़ा प्रभाव भी नहीं डाल पाए रेलवे पर। तो एक तो वो उत्तर मुंबई के रहवासी भी नहीं है, वो साउथ मुंबई में रहते आए हैं और दिल्ली रहते आए। हम समझते हैं कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार जाएगी। एक बार गोपाल सेट्टी जी होते तो टक्कर होती, क्योंकि गोपाल सेट्टी जी नगर सेवक रहे, MLA रहे, MP रहे, बट पीयूष गोयल जी से तो कभी जीवन में यहाँ का एक आदमी मिला भी नहीं, न तो वो किसी को मिले हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ से अपनी सीट गंवा दी है, ऐसा हमारा मानना है। यहाँ से हमारे महाविकास आघाड़ी के जो भी उम्मीदवार आएंगे वो भारी मतों से विजयी होंगे, क्योंकि लोग सांसद ऐसा चाहते हैं जिससे वो मिल सकें, बात कर सकें, उनकी समस्याएं बता सकें। अब अगर सांसद महोदय दिल्ली रहेंगे तो भाई हम तो दिल्ली कहाँ जाएंगे लोग। वही मैं कह रहा हूँ कि गोपाल सेट्टी जी के कार्यकर्ताओं पर बड़ा अन्याय हुआ है। वो हमारे राजनीतिक दुश्मन हैं, हमारे विरोधक हैं, लेकिन फिर भी हमारी संवेदना उनके प्रति है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो लड़ते तो टक्कर होती, यहाँ कोई टक्कर नहीं। हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार कम से कम 3 लाख से ज्यादा वोटों से चुनकर आएंगे। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।